सेटिस्फैक्शन इंस्टीट्यूट द्वारा सीख कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पढ़ाई को लेकर तनाव और समय के प्रबंधन को लेकर मार्गदर्शन दिया। इंदौर रोड स्थित एक निजी होटल में सेटिस्फैक्शन इंस्टीट्यूट द्वारा सीख कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 200 अभिभावकों के साथ 400 विषम छात्रों ने भाग लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में बताना था। यह कार्यक्रम सेटिस्फैक्शन इंस्टीट्यूट उज्जैन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भारत भर के 12 विभिन्न विश्वविद्यालयों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण कर्णावती विश्वविद्यालय अहमदाबाद के कुलपति डॉक्टर AKS सूर्यवंशी की उपस्थिति थी। उन्होंने छात्रों को कानून और डिजाइन के क्षेत्र में अध्ययन के घंटों और विभिन्न तरीकों के दौरान तनाव और समय का प्रबंधन करने के तरीके पर मार्गदर्शन किया। अन्य प्रतिभागी विश्वविद्यालय अलायंस सिटी बैंगलोर, कर्णावती विश्वविद्यालय अहमदाबाद, बेनेट यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, मानव रचना नई दिल्ली, गणपत यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, अजिंक्या डिवाई पाटिल पुणे, जागरण यूनिवर्सिटी भोपाल, UPS मुंबई, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात, MIT पुणे की भूमिका रही। बेताल की धरती, विक्रम जी की धरती और देवी अहिल्या जी की धरती उज्जैन आज भी शाश्वत धरती का केंद्र है और आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आप उज्जैन और इंदौर शहर में रहते हैं। इसी बात से शुरू करते हुए और मैं अपनी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बात करूंगा, लेकिन ज्यादा मैं अपने विश्वविद्यालय के कोर्सेज के बारे में बात नहीं करूंगा। S means survey, E means explore, E means execute और seek। आप विद्यार्थी हैं इसलिए पूरा सर्वे कीजिए, किस विश्वविद्यालय के कोर्स आपके लिए उत्तम है। अलायंस यूनिवर्सिटी के लिए आपको प्रेरित करना है कि आपको वहाँ पे आना चाहिए, एक तो वो चीज़ है, पर दूसरी चीज़ ये भी है कि लिबरल आर्ट्स के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिबरल आर्ट्स का वर्ड नाम सुना है, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने लिबरल आर्ट्स वर्ड शब्द सुना है। इतना ज़्यादा मुश्किल है कि सबसे पहले आपको बताना है कि लिबरल आर्ट्स क्या है। पर डे हाउ मेनी आवर्स डू दे टेक? अराउंड 8 आवर्स इफ यू से अ 9-to-5 जॉब, कंजर्वेटिव। एग्री करते हैं आप लोग? करेक्ट, ओके।